हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। अभी हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के OCES और DGFS के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स आई है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है ये नोटिफिकेशन और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं हमारे काम की। ये था नोटिफिकेशन जो आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पे दो नोटिफिकेशंस हैं, एक है OCES 2023 और दूसरा है DGFS 2023। अब क्या है ये दोनों एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले OCES क्या होता है, ये चीज ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स। अब ये जो दोनों जॉब्स हैं ये कुछ इस तरीके की जॉब्स है कि इसमें आपको ऑन जॉब पहले आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ ट्रेनिंग पार्ट होगा और उसके बाद जॉब के साथ साथ ही आप चाहे तो अपनी मास्टर डिग्री कर सकते हैं या फिर इस जॉब के साथ साथ अपने रिसर्च प्रोग्राम में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब जो OCES है ये एक साल का प्रोग्राम होता है एज कंपेरिजन टू DGFS जो कि दो साल का प्रोग्राम होता है। अब OCES का प्रोग्राम अगस्त 2023 से स्टार्ट होने वाला है और इसका रिक्रूटमेंट एक रिटर्न एग्जाम प्लस साथ ही साथ एक पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू होगा। अब इसमें अगर आपकी जॉब लगती है OCES आप अगर आप क्लियर करते हैं तो आपका जॉब BRC मुंबई, IG कार कलकपक्कम, NFC हैदराबाद, RR कैट इंदौर या AMD हैदराबाद में आपका जॉब लग सकता है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ OCES प्रोग्राम ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर, ये आपका पोजीशन होगा अगर आप OCES प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो एक साल के बाद आप ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर TSO कहलाएंगे। विल बी अपॉइंटेड एज साइंटिफिक ऑफिसर इन वन ऑफ द DAE यूनिट्स। DAE यूनिट्स मतलब देश भर में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में जितने भी अलग अलग रिसर्च संस्थाएं या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर फील्ड से रिलेटेड अलग अलग इंस्टीट्यूशन है उनमें से किसी भी जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब OCES के बाद हम देखते हैं DGFS क्या चीज है। DGFS एक दो साल का प्रोग्राम है, DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम DGFS फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फॉर ज्वाइनिंग MTech जो जुलाई 2023 में स्टार्ट होगा इन DGFS इंस्टीट्यूट्स। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ DGFS प्रोग्राम प्लेसमेंट ऑफ DGFS फेलोज विल बी एट BARC एंड IG कार। DGFS में दो साल की ट्रेनिंग के बाद, दो साल की ट्रेनिंग में आपको MTech कराया जाएगा इस संस्था के द्वारा ही, मतलब आपको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से आप एमटेक करेंगे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस। मैं पहले ही बता दूं कि यहां पे ये इंस्टीट्यूशंस IITs होते हैं, कुछ अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिपार्टमेंट की कुछ IITs होंगी, उन IITs में जाके डिपार्टमेंट की तरफ से आप अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करेंगे और अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद BARC या IG कार में आप प्लेस हो जाएंगे जिसमें आप अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करेंगे। नेक्स्ट, सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन दो स्टेप में होगा। सबसे पहला राउंड होगा स्क्रीनिंग प्रोसेस जिसमें आपको या तो ऑनलाइन एग्जाम या फिर गेट स्कोर कार्ड से लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम इसका आने वाली डेट्स अभी मैं आपको बता दूंगा और अगर आप ऑनलाइन एग्जाम से भी जा सकते हैं या फिर गेट 2022 या गेट 2023 दोनों में से किसी के भी स्कोर कार्ड के थ्रू आप जा सकते हैं। स्टेप वन क्लियर करने वाले बच्चों को स्टेप टू इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा। नेक्स्ट क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BE या BTech या BSc चाहिए विद मिनिमम 60% एग्रीगेट और एज लिमिट है 1 अगस्त 2023 को अगर काउंट करें तो जनरल कैंडिडेट्स की मैक्सिमम 26 साल, OBC कैंडिडेट्स की मैक्सिमम 29 ईयर्स, SC ST कैंडिडेट्स की मैक्सिमम 31 ईयर्स और PWD कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी के हैं उनको 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन और दिया जाएगा। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट अगर आप मीट करते हैं तो आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी। जनरल कैंडिडेट्स और ओबीसी मेल कैंडिडेट्स, जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज और सभी फीमेल कैंडिडेट्स, SC ST कैंडिडेट्स एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। अप्लाई कैसे करना है, 1 फरवरी से फॉर्म भरना चालू होंगे तो www.barcoesexam.in इस पे आप लॉगिन करें और वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स की, क्या शेड्यूल रहेगा। 1 फरवरी 2023 से एप्लीकेशन फॉर्म भरने चालू होंगे और 2 मार्च 2023 तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। जितना जल्दी हो सके फॉर्म जैसे भरने चालू हो आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए। नेक्स्ट,
गेट्स के स्कोर कार्ड के थ्रू जो जाना चाहते हैं उनका गेट का स्कोर कार्ड अपलोड करने के लास्ट डेट है 24 मार्च। मतलब अगर आप गेट 2023 में देना चाहते हैं तो उसका भी स्कोर कार्ड 24 मार्च से पहले आ जाएगा, और जैसे ही स्कोर कार्ड आए आप बीएआरसी की वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं स्कोर कार्ड अपलोड करके। नेक्स्ट, ऑनलाइन एग्जाम इसका 1 अप्रैल या 2 अप्रैल 2023 को होगा। इंटरव्यू 16 मई से 16 जून के बीच में होंगे और इसका फाइनल रिजल्ट 7 जुलाई 2023 को आएगा। और फाइनल रिजल्ट में जो बच्चे सिलेक्टेड होंगे उनको जैसे उन्होंने ऑप्ट किया होगा ओसीईएस या डीजीएफए जो भी उन्होंने ऑप्ट किया है उसके अकॉर्डिंग उनकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। और फर्दर अपडेट के लिए जुड़े रहिए इंजीनियर्स अकेडमी चैनल के साथ। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.